तो सर संकल में आप अवनी सर और अली सर और राजेंद्र सर हिंदी पढ़ाते थे, तो सर बहुत ही योगदान मिला सर, उसी से अच्छे नंबर आए और सीयूटी में भी वहीं से रास्ता खुला। यूपी बोर्ड का जो पूरा माहौल है, यूपी बोर्ड में जब आप पढ़ रहे हैं तो फैमिली के लोग, इधर गांव वाँव के लोग, इन लोगों को लगता था कि आप यहां से अब डीयू सीधा। तो सर मैं आया, बाकी गांव में अधिकांश बच्चों को नहीं पता है सीयूटी के बारे में, दो दो चार को पता है, वो भी बहुत बाद में तैयारी शुरू करते हैं सर, जो कि बहुत गलत करते हैं, उनको पहले से ही ट्वेल्थ के बाद ही उनको तैयारी शुरू कर देना चाहिए। सर यूपी बोर्ड में सर पीवाईक्यूज का जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा रोल है, आंसर राइटिंग, अगर आप आर्ट्स के हैं तो आप आंसर राइटिंग कीजिए, आप नियमित आप दो दो घंटा भी पढ़ रहे हैं तो भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, और नियमित ये नहीं कि एक दिन आप 6 घंटा पढ़ लिए फिर आपने एक हफ्ता पढ़ा ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि जो आप काम कर रहे हैं। और डरिए मत कि कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत ही आसान है, आप एक बार प्रयास कीजिए, पीछे मत जाइए, एक बार अगर आप प्रयास करेंगे तो आप आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं भी ऐसे ही आया हूँ और आप भी आ सकते हैं, जीरो डाउट है इसमें। तो ये मैं चाहूंगा कि जो बच्चे जो होपलेस होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं, ऐसा बिल्कुल ना हो, उन बच्चों के लिए ये रास्ते हैं। हेलो नमस्कार, स्वागत है सीयूईटी हिंदी मीडियम पर, मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं या कुछ ऐसी वीडियोज या कुछ ऐसे कार्यक्रम का मौका मिलता है जिसमें आप गौरव से भी भरे होते हैं, जिसमें आपकी खुशियाँ बहुत उछल के आ रही होती हैं, जिसे आप कंट्रोल भी कर रहे होते हैं और आपको एक तरह से चीज़ें प्रस्तुत भी करनी होती हैं। आज कुछ ऐसा ही क्षण मेरे लिए है। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा पल यही होता है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं या उसके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कुछ अच्छा कर जाएं। हिंदी मीडियम के लिए लगातार हमारी टीम कोशिश कर रही है और वो कोशिश में हमें और बल तब मिलता है जब ऐसे कुछ बच्चे हमारे साथ हों जिन्होंने वो कर दिखाया, जिसका सपना वही नहीं हम भी देखते थे। आज हमारे साथ एक ऐसा ही बच्चा है जो एक बार फिर हिंदी माध्यम का स्टूडेंट है, जो गाँव से ताल्लुक रखता है, जिसके संसाधन कम थे लेकिन उसने कुछ बड़ा अचीव किया। तो मेरे साथ आज हैं अनुराग मिश्र। कैसे हैं अनुराग आप? सर बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। अनुराग सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपको क्या कॉलेज मिला है, कौन सा कोर्स मिला है, और बताइए अपने बारे में कुछ। सर मेरा नाम अनुराग मिश्रा है सर, मैं यूपी के प्रतापगढ़ जिले से हूँ सर। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से पूरी की है, यूपी बोर्ड से, हिंदी मीडियम से। अपने स्कूल का नाम लीजिए सर। मेरे स्कूल का नाम है सेवाश्रम इंटर कॉलेज ढिंडोई, और सर मैंने 10th किया था सरस्वती विद्या मंदिर। तो सर उसके बाद मैंने 12th में आर्ट्स लिया, सर अच्छे परसेंटेज आए मेरे, तो फिर मैंने सीयूटी दिया, तो अच्छे नंबर थे और आप लोगों का सानिध्य था, सीयूटी अंडर 24/7 का सानिध्य मिला, तो मुझे हंसराज कॉलेज मिला, दिल्ली विश्वविद्यालय का, जो कि उत्तम कॉलेज माना जाता है। बिल्कुल। सर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं पहले तो आपको सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ हंसराज कॉलेज में आप अभी क्या कोर्स कर रहे हैं? सर हंसराज कॉलेज में मेरा कोर्स है बीए प्रोग्राम संस्कृत प्लस फिलॉसफी। क्या बात है, कुल मिला के हमारे सामने एक भविष्य का आध्यात्मिक गुरु बैठा है। अरे सर, क्योंकि संस्कृत और फिलॉसफी अपने आप में जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत उत्तम कॉम्बिनेशन है जी। और आज के इस परिवेश में हमारी जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, भारतीय दर्शन है, भारतीय जो गौरव है, उसके ध्वजावाहक के रूप में आप नवयुवक लोग हैं, क्योंकि अगर आपके हाथ में संस्कृत है, दर्शन है, तो हम उम्मीद भी करेंगे, आशा भी करेंगे कि आगे आप लोग नित्य जो है भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। अनुराग सबसे पहले मैं शुरुआत यहाँ से करूंगा कि पहले तो मैं चाहूंगा आप अपने माता पिताजी का नाम जरूर। सर मेरी माता का नाम किरण मिश्रा है और मेरे पिता का नाम योगेंद्र मिश्रा है। बढ़िया, उन दोनों को बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम हमारी तरफ से। अनुराग सबसे पहले तो ये बताओ यार, लाइटर नोट में कैसा लग रहा है डीयू में आके? सर अलग ही सर, जैसे कि हर बच्चे की ही चाह होती है, हमारी भी थी कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ें, तो सर पहुंचा मैं तो सर बड़ा ही अद्वितीय अनुभव रहा है सर, बहुत ही सुंदर लगता है, अच्छा अंदर लगता से है। अच्छा लगता है सर, अच्छा लगता है। अंदर से नॉर्थ कैंपस में टहलना है, जी सर एकदम सर, ड्रीम था एक तो हाँ। अब किसी का भी पूरा होता है तो अच्छा ही लगता है। और हंसराज में कैसा लग रहा है? सर हंसराज जो कि सर भारत के टॉप कॉलेजेस में आता है, तो उसमें काफी सर माहौल बड़ा अच्छा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा के लिए भी बहुत टॉप फील होता है कि अगर मैं हंसराज में नहीं होता, अपने शहर के कॉलेज में होता तो क्या अंतर रहता? सर अंतर रहता सर, काफी अंतर रहता सर, गाँव के कॉलेजेस में उतनी ना नियमित कक्षाएं चलती हैं, और सर इसीलिए और यहाँ पे है इतर माहौल। यस सर, वहाँ पे अब है कि बस क्लासेस, मतलब बच्चे एडमिशन ले लिए और फिर बस पेपर देने जा रहे हैं, गांव में तो यही होता है, तो यहाँ पे है तो नियमित कक्षाएं चलती हैं, असेसमेंट्स और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, वो डेली ही कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हैं, तो सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है सर। बातें तो आपसे बहुत करनी है लेकिन मैं कहीं सवाल निकल ना जाए इसलिए पूछ लूँ, बहुत बच्चे कहते हैं मुझे डीयू जाना है क्योंकि आईएएस बनना है जी, लगता है कि सच में यूपीएससी में मददगार है डीयू? जी सर बिल्कुल मददगार है डीयू सर, इसलिए कि सर
बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं और टीचर्स हैं, लगभग तो ऐसे ही टीचर हैं जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करके ही आए हैं, तो सर वो हमको गाइडेंस करते हैं और सेमिनार्स होते रहते हैं यूपीएससी से रिलेटेड स्कूल्स में, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पीवाईक्यूज सर्कुलेट होते हैं, ग्रुप्स बने हैं, तो सर बहुत पूरा मौसम बन जाता है। लाइब्रेरी का माहौल सर, लाइब्रेरी सर बहुत ही अच्छी है हमारी, दो फ्लोर की लाइब्रेरी है, लगभग काफ़ी किताबें हैं उसमें, जो भी हमारे कोर्स हैं कॉलेजेस में सर वो बहुत अच्छी किताबें हैं और बहुत मदद मिलती है। मैं चूंकि खुद डीयू से मुझे सौभाग्य रहा है पढ़ने का, तो एक मैं चीज़ यहाँ पर जरूर ऐड कर दूँ कि अगर कोई बच्चा है वो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है तो मेरे ख्याल से अभी वो होगा कि डेली के न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स सब कुछ उस लाइब्रेरी में आपको मिलेंगे, खरीदने की जरूरत नहीं। नहीं सर नहीं है। बहुत शानदार। मैं दोबारा लौटता हूँ आपकी बारहवीं पर, तो बारहवीं के बारे में बताइए कि यूपी बोर्ड में से आपने पढ़ाई की है, यूपी बोर्ड में क्या क्या आपके विषय रहे और तैयारी का पूरा सफ़र कैसा रहा? सर दस तक, सर क्लास टेन तक तो मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, फिर इलेवेंथ से मैंने आर्ट्स लिया, तो फिर वही आर्ट्स वालों को थोड़ा हीन भावनाओं से देखा जाता है, तो सर मैंने तब अपना दिल छोटा नहीं किया, मेरे मन में उम्मीद थी कि मैं कुछ करूँगा। सर जब मैंने ट्वेल्थ में मेरे मार्क्स आए तो बड़े ही अच्छे नंबर आए, तो सर ट्वेल्थ के मार्क्स में तो सबसे ज़्यादा योगदान आप ही लोगों का रहा है, हमने शुरुआत में ही बैच ले ली थी। अच्छा, तो किस बैच में थे आप? सर संकल्प, संकल्प में। सर जो सबसे पहले बैच आया था, तो सर संकल्प में आप अवनी सर और अली सर और राजेंद्र सर हिंदी पढ़ाते थे, तो सर बहुत ही योगदान मिला सर, उसी से अच्छे नंबर आए और सीयूटी में भी वहीं से रास्ता खुला। कैसे हेल्पफुल है बैच, आप बताइए। सर बैच है कि एक तो नियमित कक्षाएं चलती हैं सर, पीपीटीज, पीडीएफ सर, पीवाईक्यूज, आंसर राइटिंग सर, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, ये सब कुछ पढ़ाया जाता है, तो कहीं आपका छूटता नहीं है, आपके डाउट्स सॉल्व किए जाते हैं पेड बैचेस में। और जब आप बैच में पढ़ रहे थे तो आपको ऐसा लगता था कि स्कूल के बाकी बच्चों से आप आगे चल रहे हैं? जी सर बिल्कुल। सर हमने रियलिटी बताऊं मैं तो, सर मैंने 4 से 5 बार सिलेबस खत्म किया था आप लोगों की वजह से, क्योंकि मैंने हम लोगों ने पिछली बार संकल्प बैच के बच्चों को हर बैच में ऐड कर दिया। जी सर, इस बार वो महापैक में चल रहा है कि महापैक के बच्चे हर बैच का हिस्सा होंगे। खैर, तो बारहवीं में कितने प्रतिशत आए मार्क्स सर? 92। और राजनीति विज्ञान में कितना नंबर रहा सर? 92। क्या बात है। तो देखो भाई, पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों, सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसमें रहा सर? जियोग्राफी में कितना? 97। क्या बात है। तो देखो, भूगोल में, इतिहास में, राजनीति विज्ञान में तुम लोग नंबर 95, 96, 98 ला सकते हो, ये बिल्कुल संभव है। इसलिए कोई अगर आपको ये भ्रमित कर रहा हो कि यूपी बोर्ड में नंबर नहीं मिलते हैं, वो जमाना गया, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब आप बताइए कि CUET के बारे में आपको कैसे पता चला और CUET को लेकर क्या माहौल है अभी गांव में? अब सर जब मैंने बारहवीं में अपना दाखिला लिया तो सर तभी मुझे ऐसे पेपर्स में देखा था मैंने कि एक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा होती है, तो सर मैंने उसके बारे में पता लगाया, तो सर YouTube पे मैंने वीडियोस देखे तो आप ही लोगों के वीडियोस मिल गए, अड्डा के वीडियोस मिले, तो उसमें देखा कि क्या है CUET, तो उसका मैंने पूरा प्रोसेस देखा, फिर उसके लिए मैंने देखा कि अब अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी और उस लेवल पे मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो मैं देखने लगा और वीडियोस देखा मैंने, उसके बाद मुझे आपकी वीडियो मिली, आपके वन शॉट देखे मैंने, तो आपकी फिर मैंने प्लेलिस्ट चेक करी तो काफ़ी सारे वीडियोस मिल गए, बहुत अच्छा पढ़ाया गया था उसमें, लास्ट में उसमें आपने अपना नंबर दिया था तो मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया तो उससे मुझे पता चला कि बैचेस भी मिलती हैं, तो सर मैंने बैचेस लिए। बिल्कुल, हमारी टीम का रहता है कॉन्टैक्ट। तो अब ये बताइए कि यूपी बोर्ड का जो पूरा माहौल है, यूपी बोर्ड में जब आप पढ़ रहे हैं तो फैमिली के लोग, इधर गांव गाँव के लोग, इन लोगों को लगता था कि आप यहां से अब डीयू सीधा था कुछ कहीं? नहीं सर बिल्कुल नहीं सर, और अब आपको पता ही है कि हाँ। नहीं है गांव में उतना माहौल, फिर भी सर मेरे अंदर था कि नहीं मुझे जाना है, तो सर मैं आया। बाकी गांव में अधिकांश बच्चों को नहीं पता है CUET के बारे में, दो दो चार को पता है, वो भी बहुत बाद में तैयारी शुरू करते हैं सर, जो कि बहुत गलत करते हैं, उनको पहले से ही ट्वेल्थ के बाद ही उनको तैयारी शुरू कर देना चाहिए। नहीं, 11th के बाद? यस सर, 11th के बाद। मतलब मैं वही पूछना चाहता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम खत्म होगा तो मैं CUET कर। नहीं सर, वो बहुत गलत होते हैं और उनका ही नहीं होता है। ही नहीं होता है। जी, और हड़बड़ी मच जाती है। जी जी, एग्जाम को लेकर क्या आप रिकमेंड, जैसे CUET का जो परीक्षा जो देनी है उसमें क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए बच्चों को? सर CUET में अगर वो हिंदी माध्यम का बच्चा है तो ध्यान देने योग्य है कि सर सबसे पहले तो अपना सिलेबस जान ले और सर पेपर पैटर्न जान ले, उसके बाद अगर हम पढ़ाई करेंगे और पेपर पैटर्न को साथ में लेके चलेंगे, दिमाग में रहेगा सर, बहुत कठिन नहीं है। मुझे भी बहुत सारे डाउट्स थे सर, तो मैंने धीरे धीरे सिलेबस कवर किया और बैच में तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली ही, और सर मैंने PYQs लगाए तो मुझे एकदम पूरा माहौल मिल गया और सारे डाउट्स खत्म हो गए। अगर यूपी बोर्ड की बात करूँ जी, यूपी बोर्ड की बच्चा मान लो जैसे अभी नवंबर दिसंबर आ गया है,
नवंबर आ गया एटलीस्ट, मतलब दीपावली खत्म हो रही है। अब यहाँ से यूपी बोर्ड के बच्चा, मान लो अगर मैं ये कहूँ कि उसको ये लग रहा है कि मेरी अभी 30% भी तैयारी नहीं है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए उस बच्चे को? सर सबसे पहले तो उसको देखना चाहिए कि उसने कहाँ तक पढ़ा है। अगर उसने ज़रा सा भी नहीं पढ़ा है तो वो तुरंत शुरू करे वो बेसिक से, क्योंकि बहुत लिमिटेड सिलेबस है, बहुत बड़ा नहीं है, आसानी से हम 3-4 महीने में ख़त्म कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं, तो उसको तैयारी शुरू कर देना चाहिए। उसमें अब मैं दो चीज़ें आपसे पूछूंगा, PYQ और NCERT, इसका यूपी बोर्ड में कितना रोल है? सर NCERT का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वही बुक्स ही चलती हैं। सर PYQ का तो 100% रोल है सर, 100% सर, बिना डाउट के। यानी कि PYQ काफी पूछे जाते हैं? यस सर, एकदम पूरा एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। सर मैंने भी बहुत सारे PYQ सॉल्व किए हैं, खासकर तो आप लोगों ने 2-3 महीने पहले से ही एकदम सुबह सुबह कक्षाएं प्रारंभ हो जाती थी। जो मुझे याद है कि जो आखिरी रात का मैराथन हुआ था वो 80% सवाल वहीं से आ गए। जी सर 80% मैंने PYQ से बहुत जोर दिया था। जी ऑब्जेक्टिव तो सारे ही वहीं से आ गए थे, लॉन्ग मतलब कि मेरे पास सामने पेपर आया तो मुझे सब कुछ ही आ रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, फिर मैंने एक तरफ से लिखना प्रारंभ किया। और यार बताओ बुलडोजर सीरीज के बारे में क्या कहो? सर बुलडोजर क्लास तो सर क्या ही कहना है उसका, सर ठंडी की क्लास में वो बैठ के रजाई में सुबह सुबह 6 बजे उठ के पढ़ने का एक मोटिवेशन था। बुलडोजर को ना मतलब यूपी बोर्ड का प्राण बना देना है। यस सर, बच्चा यूपी बोर्ड की तैयारी करे तो बुलडोजर सुनाई दे उसे। जी ये मैं थोड़ी अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बनता है इतना तो क्यों बिल्कुल सर क्यों नहीं बनता है। देखो सच्चाई यही है कि वो बुलडोजर सीरीज बहुत रैंडम मेरे दिमाग में आया, और यूपी से तो खास इस समय नाता ही जुड़ गया है, बुलडोजर नाम जुड़ गया है बाबा जी जो वहां पर हैं। लेकिन मुझे मेरे बुलडोजर्स का शुरू करने का ये लक्ष्य था ना कि जो सवाल हैं जो आपके रास्ते में खड़े हैं उसे बुलडोज करके हटाओ जी, जो डाउट्स हैं उसे हटाओ। तो ठंड में सुबह 6 बजे, लेकिन मुझे मजा तब आया ना जब मैंने पहली क्लास शुरू की, जब मैंने देखा कि मैं आ रहा हूँ 6 बजे क्लास स्टार्ट करने दिसंबर में और 50 लोग वेट कर रहे हैं, वेटिंग चल रही है। जी जी, तो मैंने कहा भाई ये तो फिर वो 2 महीने चला, सुबह 100-100 बच्चे पढ़ने आते लाइव में, और जनवरी दिसंबर में चलो एग्जाम टाइम में तो 1400 तक संख्या गई थी। जी जी, लेकिन उस समय जो जोश था, तो किसी भी पता है किसी भी टीचर को किसी भी सीरीज को बड़ा बनाते हैं बच्चे। जी तो तुम लोगों ने इतना पसंद किया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। यूपी बोर्ड के बारे में और कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहोगे? सर यूपी बोर्ड में सर PYQs का जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा रोल है, आंसर राइटिंग, अगर आप आर्ट्स के हैं तो आप आंसर राइटिंग कीजिए बहुत पहले से ही, आप एज इट इज, और आंसर राइटिंग भी ऐसे नहीं कि बस आंसर शुरू किया और सीधा जाके छोड़ रहे हैं, उसको सिनॉप्सिस बनाइए, पॉइंट वाइज लिखिए, हेडिंग वाइज लिखिए, राइटिंग आपकी थोड़ी अच्छी हो तो आप बेसिक 95% तक स्कोर कर सकते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हम आंसर पैराग्राफ पे लिखें कि पॉइंट बना के लिखें? सर पैराग्राफ ज्यादा सही रहता है सर, क्योंकि पॉइंट छोटे छोटे रहते हैं तो जल्दी खत्म हो जाते हैं। हाँ एक मेरा ऐसा मानना है, और मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि जिस बच्चे की हैंडराइटिंग बड़ी खूबसूरत है मतलब अच्छी है जी, वो पैराग्राफ पे आंसर करे। जी जिस बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत खराब है मेरा मानना है कि वो पॉइंट मिलेगा। जी सर, चाहे थोड़ा दूर दूर लिखेगा तो टीचर आंसर आपका पढ़ लेगा, नंबर दे देगा, पता लगा आपने इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा वो लिख के इतना खराब लग रहा है कि नंबर ही नहीं दे पा रहा। तो ये चीज होती है। नोट्स बनाने के बारे में कुछ बताओगे CUET और बोर्ड दोनों को लेकर? यस सर, जैसे कि आप लोग प्रोवाइड्स किए थे मुझे नोट्स, तो मैंने सारे ही नोट्स बनाए थे पूरे चैप्टर 1 से लेकर 10 तक, तो नोट्स का तो बहुत बड़ा योगदान था, आंसर्स भी वहीं से ही छांटे थे मैंने, बाकी सर आप लोगों ने भी वहीं से ही आंसर निकाले थे क्योंकि वही है मटेरियल, वही है मटेरियल वही है, लेकिन नोट्स एक बनाना चाहिए कि लास्ट में। यस सर बिल्कुल, नोट्स बनाना चाहिए लास्ट में रिवीजन करने के लिए, अगर आप नहीं पूरा लिख रहे हैं तो पॉइंट ही लिख दीजिए। अगर एक गाँव का बच्चा दिल्ली में आता है एडमिशन लेने के बाद, उसे महीने में कितना खर्चा उठाना पड़ता है? सर लगभग 10 से 12 जी। जैसे हंसराज कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, हर कॉलेज की फीस अलग होती है जी, हंसराज में जो आपने एडमिशन लिया जो टॉप कॉलेज है तो कितनी फीस लगी सर? 27,000 रुपए। ये कितने दिन की फीस है? सर एक साल की, एक साल दो सेमेस्टर की 27,000 जी। इसके अलावा भी कोई फीस लगती है? नहीं सर अभी तो नहीं लगती, कोई फीस नहीं जी। यानी मैं ये मान के चलूं कि अगर आप DU के टॉप कॉलेज में जाना चाहते हैं जी सर, तो 25-30 हजार के आसपास एक साल की फीस ले लीजिए और हर महीने 10-12 हजार रुपए ले लीजिए जी। क्या कोई बच्चा अगर थोड़ा जिसे कह सकते हैं कि एक्टिव है या थोड़ा पढ़ाई लिखाई उसकी ठीक है तो 5-7 हजार रुपए दिल्ली में ट्यूशन व्यूशन कर? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो 5-6 हजार रुपए कमा सकता है आसानी से कोचिंग करा जी, कोचिंग करा। तो यानी अगर आपके महीने में 8-10 हजार रुपए खर्च हो रहे हैं, थोड़ी मेहनत करके आप 8-10 हजार भी निकाल सकते हैं, तो आप ये घबराइए मत कि मैं 10-12 हजार कैसे दूंगा। आप एक बार एडमिशन लेकर इस माहौल में रहिए, उसके बाद ये चीज़ें आपकी धीरे धीरे खुद सॉर्ट हो जाती हैं। देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो संघर्ष को देख के पहले भाग जाते हैं, नाम उन्हीं का होता है जो संघर्ष में उतरते हैं और उतरने के बाद वो रास्ता बना लेते हैं जी। किसी को
अगर ये लगे कि भाई मैं ये कैसे करूँगा, तो भाई पहले डर के भाग जाने से कुछ होगा नहीं। मैंने बहुत बच्चों को मैं जानता हूँ, कुछ तो मेरी पर्सनल भी कहानी है, मैं वो क्या ही बताऊँ, लेकिन बहुत बच्चों को मैं जानता हूँ जिन बच्चों के पास एक रुपया भी नहीं था, लेकिन वो जब उतर गए फील्ड में तो वो 10,000 कमाने लगे, रहने लगे और फिर उनकी लाइफ भी बन गई। जी जी। तो ये मैं चाहूँगा कि जो बच्चे जो होपलेस होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, ऐसा बिल्कुल ना हो, उन बच्चों के लिए ये रास्ते हैं। तीसरा मैं ये कहूँगा कि अगर हिंदी माध्यम का बच्चा है, एवरेज के ऊपर भी पढ़ाई कर रहा है, हो जाएगा कि डीयू में नहीं? सर बिल्कुल हो जाएगा उसका। सर डीयू में बहुत सारी सीट्स हैं और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो ये तो सोचे ही ना कि हम मेरा नहीं होगा। अगर वो अच्छे से पढ़ रहा है, मतलब बहुत अच्छे से नहीं, नॉर्मली भी वो पढ़ रहा है, तो उसका सिलेक्शन पक्का ही है। मतलब जैसे कई बार ना पेरेंट्स भी डराते हैं कि कहाँ तेरा डीयू में नहीं, नहीं सर, ये तो मतलब उसका तो होगा ही होगा। मैंने देखे हैं कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कम नंबर है, वो भी अच्छे कॉलेज में हैं। एक कुछ बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि सर डीयू में केवल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है क्या, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, इस पर क्या कहो? नहीं नहीं सर, क्लासेस मैं लेता हूँ रेगुलरली सर, क्लासेस बायोलैंग्वल हैं, टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। अगर आज बोल रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आया, तो वो 100 बार समझाएंगे। टीचर बोलते हैं कि अभी आप वहाँ बैठे हैं, तो आपको पूछने का अधिकार भी है। बहुत बढ़िया। यानी कि कुछ कॉलेज स्पेसिफिक की दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज हिंदी मीडियम के बच्चों को सपोर्ट मिलता है। जी सर, और बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी। और मुझे लगता है कि एक आध सेमेस्टर बच्चों को हिम्मत रख के करना चाहिए। यस सर। कि पहले जैसे मैं एक दो बच्चों को जानता हूँ जो 2-4 दिन की क्लास के बाद छोड़ के चले गए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको जी सर रुकना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं है सर, बहुत आसानी से वो सॉल्व हो सकती है। आप एक बार माहौल मिलाना सर, मुझे भी बहुत डर लगता था, पर कॉलेज में ऐसा माहौल है कि कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, और ढल गए उसमें हम लोग। मौज मस्ती होती है कॉलेज में सर? बिल्कुल सर, मौज तो सर बहुत ही ज्यादा डीयू में, एकदम सर मौज मस्ती पढ़ाई के साथ, मतलब पूरा एकदम माहौल है और बैलेंस्ड माहौल है। ये नहीं कि सिर्फ मजा ही कर रहे हैं बच्चे, हाँ, मजा ही कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। एक्सपोजर है। डीयू में क्राउड कैसा, मतलब क्या इंडिया के हर कोने के बच्चे हैं? यस सर, उधर नॉर्थ ईस्ट से बहुत बच्चे आए हैं, असम, और सर इधर केरला, तमिलनाडु से बच्चे बहुत आए हैं, कश्मीर से बच्चे, पंजाब, हरियाणा और यूपी बिहार के तो बच्चे बहुत ही हैं, हर जगह के बच्चे हैं। कैंपस में और पॉइंट्स हैं खाने पीने के, घूमने के? जी सर, सर हमारा तो हंसराज कॉलेज है, तो एक LP बहुत फेमस है, शाहरुख खान का प्लेस, लवर्स पॉइंट। अच्छा अच्छा। और सर शाहरुख खान आपके कॉलेज से थे? जी जी जी। और कौन कौन सेलिब्रिटीज रहे हैं सर? और सर नवीन जिंदल, अनुराग कश्यप, फिल्म स्टार, जी जी जी, किरण रिजिजू, यस सर, तो बहुत सारे हैं। बहुत शानदार। आगे क्या लक्ष्य अनुराग आपका? सर मुझे सर सिविल सर्विसेज में जाना है। सिविल सर्विसेज जी। संस्कृत और फिलॉसफी, ये कॉम्बिनेशन पढ़ के कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा सर, मैंने अपने प्रेफरेंस में वही कॉम्बिनेशंस डाले थे जो मुझे पढ़ने हैं, तो सर एक ये भी था संस्कृत फिलॉसफी। सर दोनों ही बहुत अच्छे विषय हैं, दोनों की जहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है वो भी बड़ा रोचक तथ्य है, और दोनों कनेक्टिंग विषय हैं, तो पढ़ के अच्छा लगता है। फिलॉसफी और संस्कृत में अगर मैं कहूं कि थोड़ा सा अंतर बताइए, लोगों को लगता है हम संस्कृत पढ़ रहे हैं फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, एक ही बात है, क्या बेसिक अंतर है? नहीं नहीं, संस्कृत है वो तो हमारा बहुत ही प्रारंभिक है, और दार्शनिक तो है हमारे विचार हैं जो उनको ही हम एक विषय के रूप में बना दिए हैं। संस्कृत एक माध्यम है उसको व्यक्त करने। जी जी जी। और विचार को हम लगभग दार्शनिक कह सकते हैं, दर्शन जो है हमारा जी वो, यानी कि। और फिलॉसफी में भी आपको अभी तो प्रारंभिक है जी जी, फिर भी इंडियन और फॉरेन फिलॉसफी में क्या पसंद है आपको? सर इंडियन फिलॉसफी मुझे ज़्यादा पसंद है सर, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी की शुरुआत जो हुई है, इंडियन फिलॉसफी की शुरुआत हुई है अपने दुखों का निवारण के लिए, और जो पाश्चात्य दर्शन का शुरुआत हुआ है उन्होंने अपने उत्सुकता से उसकी शुरुआत हुई है, तो ये है कि भारतीय फिलॉसफी मुझे ज़्यादा पसंद है। इसका एक कारण है ये भी है कि मैं भारत से पर्टिकुलर फिलॉसफी, अभी तो खैर आपका अध्ययन चल रहा है। जी जी, बढ़िया है, बहुत शानदार, बहुत खुशी होती है कि जो अपने दर्शन अपने धर्म से संबंधित अध्ययन चल रहा है, और उस पर बात विवाद का भी आप लोगों को मौका मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और पूछूंगा, और मैं चाहूंगा कि अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, और चूंकि अब तो आप डीयू में पहुंच गए हैं तो बहुत बच्चे आपको मिलते भी होंगे, जी जी, उनके भी एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए आप बताओ कि काउंसलिंग का प्रोसेस जो है, जो रिजल्ट के बाद का है, वो कितना इंपॉर्टेंट है और क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? सर काउंसलिंग के बाद का प्रोसेस, जैसे कि रिजल्ट आ जाता है, फिर डीयू के 3 चरण में एडमिशन करवाए जाते हैं। CSAS पोर्टल होते हैं, उसके 2 फेजेस होते हैं, उसके दूसरे फेजेस में CSAS के थ्रू उसका एडमिशन होता है, 3 चरणों में होता है वो। तो डीयू का एक पोर्टल है CSAS, जी जी जी, ऑनलाइन का। हाँ सर, CSAS 1 और CSAS 2 में प्रेफरेंस फिलिंग करना रहता है, उसमें आपको डालना रहता है कि आप कौन से कॉलेज से कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। ये इसका 80% रोल है आपके CUT में। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि जिनके 800 में से 790 नंबर हैं वो अच्छे कॉलेज में नहीं है, वो ऑफ कैंपस चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने गलत प्रेफरेंस बनाई है। ये बच्चे ध्यान रखना आप लोग,
और इसीलिए देखो जब हम लोग कहते हैं ना कि बच्चों को एक पेड बैच में आना चाहिए, 3,000-4,000 रुपए के लिए बच्चे सोचते हैं, मैं जानता हूँ कि गांव के माहौल बड़ा दुर्गम है, लेकिन हम लोग को बैच में यही एक कारण होता है कि ताकि कम से कम आप लोग एक गाइडेंस के तहत रह सकें, आपको बताया जा सके, समझाया जा सके जी। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, 800 में 750 760 वाले बच्चों को भी कोई कॉलेज नहीं मिला क्योंकि प्रेफरेंस उन्होंने ठीक से नहीं भरा जी। और 550 वाले बच्चे हैं जिनको अच्छा कॉलेज मिल गया क्योंकि उन्होंने कोर्स कॉम्बिनेशन ठीक डाला जी जी। जिसके लिए सीटें ज्यादा थी, तो ये इम्पोर्टेंट है सर। प्रेफरेंस वही डालना चाहिए कि जो हमको पढ़ना है, नहीं तो जैसे कि रिजल्ट आया तो दिख रहा है कि हम 600 कोर्स में एलिजिबल हैं, तो बहुत सारे बच्चे गाइडेंस नहीं होता तो 600 कोर्स भी डाल देते हैं, फिर उनको वही कोर्स मिल जाता है जो उनको नहीं पढ़ना है और फिर बाद में रिग्रेट होता है। फॉर्म भरते समय किसी चीज का ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं करनी है। यस सर, फॉर्म भरते हुए अपने पर्सनल डिटेल्स बहुत ध्यान से होनी चाहिए, और DU का एक रूल है कि आप जो विषय 12th में पढ़े हैं वही आप CUT में भी दीजिए, तो उसका है। और ये भी है कि 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज, GT की आवश्यकता DU में जाने के लिए नहीं है, बहुत डाउट रहता है ये। उसमें एक DU के लिए जरूर है कि अगर आप मान लीजिए आपके पास 3 डोमेन नहीं है तो आप BA प्रोग्राम के लिए एक GT लैंग्वेज और एक डोमेन से जा सकते हैं जी सर, वो एक अलग रास्ता है जी जी। अदरवाइज किसी का ये टारगेट है कि मुझे केवल DU में जाना है और मुझे GT पढ़नी ही नहीं है, तो 12वीं के 3 सब्जेक्ट जो है और एक लैंग्वेज लेकर कर सकता है जी जी। कभी अभी बीच में कोई ऐसे आपके दोस्त में जो BHU या इलाहाबाद में भी जिनका एडमिशन हुआ है? नो सर, ऐसे मेरे दोस्त नहीं है। तो आपको कोई रिग्रेट नहीं है BHU और इलाहाबाद में? नहीं नहीं सर, मुझे शुरू से ही DU में जाना था इसलिए मैंने GT लिया ही नहीं था। बहुत शानदार सर, मेरे लक्ष्य शुरू से ही क्लियर थे कि ये कोर्स करना है, DU में जाना है, और सर आया। कोई ऐसी चीज जो आप और बताना चाहते हो यूपी बोर्ड या जी सर को लेकर? मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा जो डर बनाया गया है उनके बीच में, ऐसा कोई डर नहीं है। DU में जाना बहुत आसान है, CUT बहुत आसान है, और बोर्ड तो सबसे आसान है। बस आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कीजिए, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। आप नियमित, आप 2-2 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और नियमित, ये नहीं कि एक दिन आप 6 घंटा पढ़ लिए फिर आपने एक हफ्ता पढ़ा ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि जो आप काम कर रहे हैं रोज करते रहें। क्लासेस आप रोज लीजिए, और अगर हो सके तो आप बैच ले ही लीजिए, क्योंकि वो 3,000-4,000 रुपए बाद में चल के आपको 30-40 लाख रुपए देंगे। आप ये देख लीजिए। कुछ बच्चों को ये भी रहता है कि सर मैं स्कूल और बैच दोनों कैसे करूं, कोई दिक्कत आती है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आती, मैं भी स्कूल में था सर, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स पड़ी रहती हैं तो आप देखिए, क्योंकि पूरा दिन तो हम स्कूल में नहीं ही बताते और हैं। वैसे भी अब तो इस बार हम लोग स्कूल टाइम के बाद सारे बैचेस में क्लासेस दे रहे हैं, शाम को 3-4 बजे जी तो जी चीजें मैंने नहीं सर, मुझे तो कभी स्कूल के चक्कर में दिक्कत ही नहीं हुई बैच लेने में, मैं तो लाइव क्लासेस में ही आता था। तो अनुराग, आप DU में है, हंसराज में है, सारी चीजें आपने शेयर की, आखिरी में बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज जो आपके मन में हो या आपकी पढ़ाई के दौरान आपको पता चली हो, अच्छी कोई बात आप जो बच्चों से शेयर करना चाहते हैं? यस सर, बच्चों को है कि अभी उनके मन में बहुत डाउट्स होंगे, आप धीरे धीरे उनको समाप्त कीजिए, और डरिए मत कि कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत ही आसान है, आप एक बार प्रयास कीजिए, पीछे मत जाइए। एक बार अगर आप प्रयास करेंगे तो आप आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं भी ऐसे ही आया हूँ और आप भी आ सकते हैं, जीरो डाउट है इसमें। जीरो डाउट है जी। आर्ट्स के बच्चे आश्वस्त रहें कि वो अच्छा कर सकते हैं सर, आर्ट्स के बच्चे ही अच्छा कर सकते हैं सर, साइंस को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, पर आर्ट्स वाले उनसे थोड़ा भी कमजोर नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया, ये अच्छा लगता है मुझे। कभी एक लाइन है ना कि अंधेरे को क्यों कोसे हम, अच्छा एक दीप जलाएं जी। तो साइंस का एक जीवन में अलग ही महत्व है, बहुत महत्व जी जी, लेकिन आर्ट्स के बच्चे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं जी। बहुत अच्छा लगा अनुराग आपसे बात करके, धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि आप जीवन में बहुत अच्छा करेंगे और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए आप प्रेरणा स्रोत भी बनेंगे। CUET हिंदी मीडियम चैनल से आप पढ़ते रहे, बैच में भी जुड़े, इसका भी हमें गर्व है, और आगे भी हमारी भी ये कोशिश रहेगी, और हम अपने साथ आप जैसे लोगों को भी जोड़ेंगे जिन बच्चों को CUET के बारे में जानकारी नहीं है या प्रोसेस को लेकर घबरा रहे हैं, उनको आपकी ये एक तरह का मैसेज मिलता रहे जी सर, और वो मोटिवेटेड रहे। थैंक यू सो मच अनुराग, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर।